मोदी जी ने यो देश 50 साल पीछे कर दिया है, 50 साल पीछे कर दिया है। इतना गंदा प्रधानमंत्री ना तो आया ना आवे। ये जो कहावत होती है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मोदी सरकार ऐसी है, ये बातों से नहीं मानती, ये लातों से मानती है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस वक्त हम सिंगू बॉर्डर पर हैं। सिंगू बॉर्डर पर जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली तंबू लगे हुए थे, आज 380वें दिन वो निकल रहे हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये बैल बुग्गी से ईंटों को ले जाया जा रहा है। जो ईंटें यहाँ पर किसानों ने अपने तंबू बनाए, उनको जो है वो अब यहाँ पर लोग लेकर के जा रहे हैं। हम ये दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि देश में देखिए यहाँ पर कितना बड़ा स्ट्रक्चर लगा हुआ था, ऐसा लगा हुआ था कि पता नहीं कितना दिन लगेगा इसको हटाने के लिए, लेकिन एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, अभी आधा दिन है और आधे ही दिन में देखिए कितना जो है खाली हो गया। तमाम लोग आप देख रहे हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं, झुग्गियों के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, ये आ गए हैं और ये ईंटों वगैरह लेकर के जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि देश के अंदर गरीबी का, भुखमरी का इतना मुद्दा है और उसके अलावा देश को एक साल तक इस आंदोलन की आग में जो है वो लटका करके रोक दिया था। ये देखिए आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है। कहाँ रहते हैं? गांव कुंडली रहता हूँ। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से बस ये कुंडली के अंदर ही हम 1 किलोमीटर मान लें मेरा घर। किस लिए ले जा रहे हैं भाई? अपना कोई थोड़ा बहुत फरस घेर लेंगे, गरीब आदमी तो है। अच्छा, हाँ, और क्या करें, गरीबी है, गरीबी बहुत ज्यादा। मतलब मोदी जी ने डंका बजा रखा है, मोदी जी ने यो देश 50 साल पीछे कर दिया है, 50 साल पीछे कर दिया है। इतना गंदा प्रधानमंत्री ना तो आया और ना आवे। अब एक चीज की महंगाई के कारण बेरोजगार हो गए हैं लोग। तो एक साल तक तो ये भी तो आंदोलन चलता रहा। अरे आंदोलन चलता रहा, आंदोलन से क्या नुकसान ही होता है? हाँ। नहीं नहीं, इन्हें तो लोग जुआ दिए हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो यो देश ही बर्बाद हो जाता सारा का सारा। हाँ। सारा देश बर्बाद भी किया था। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत गलत काम करा। तो ये कह रहे कि लोकल लोगों को तो बहुत नुकसान हो रहा था, ये था? अरे नुकसान, कोई नुकसान नहीं है। अब फायदा होया, सारे देश में नुकसान था, सारे देश को नुकसान था, अब फायदा होगा। अच्छा। हाँ, तो किसानों ने जीवा दिया देश को। दिया देश, अरे ये इधर जो आते हैं ये देते, सब कुछ ये देते हैं, इन्होंने जीवा दिया देश को। तो बहुत अच्छा काम किया है ये। मतलब एक साल तक जो अटका के लटका के रखा है, पहले भी हो जाता है ऐसा? ये पहले भी कर देते थे, देश बर्बाद नहीं होता। लेकिन एक साल तक आंदोलन चलता रहा, सोच करके देखिए अगर ये मामला पहले निपट जाता तो कितना काम और हो सकता था। लेकिन आज देश वहीं पर खड़ा है एक साल बाद में भी। और फिर ये क्यों नहीं बोलते भी मोदी ने सत्यानाश कर रखा है देश का, कि अगर ये मुद्दा पहले निपटता तो देश कहीं और आगे चलता। अगर ये कानून गलत थे, ये साबित हो गया, सारा प्रशासन का भी इन्होंने नुकसान कराया, लोगों का भी कराया, रोजगार का भी कराया, ये गलत थे, अब वापस लिए, पहले क्यों नहीं वापस लिए? ये काम एक साल पहले भी हो सकता था, हो सकता था, क्यों नहीं किया फिर? 750 हमारा किसानों की दिया तपस्या रही है, इतने साल तक, पूरे साल तक बैठना पड़ा, इतने इंतजाम करने पड़े। अगर वो पहले नहीं बैठ जाता, बातों से नहीं मानते। क्या कह रहे हैं? ये जो कहावत होती है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये मोदी सरकार ऐसी है, ये बातों से नहीं मानती, ये लातों से मानती है। ये जो असल मुद्दा था, लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा रोजगार तो उसने पहले ही जो कानून अपने लाया था, टैक्स वगैरह बढ़ाया, कई फैक्ट्री वैसे बंद हो गई, उनको देखे। हमारा तो ये किसानी मुद्दा था, हमने अपना मुद्दा हल किया है। तो आप कहाँ जाएंगे अभी? अभी घर जाएंगे और क्या करेंगे? कौन सी जगह है? करनाल डिस्ट्रिक्ट। करनाल में? हाँ जी। तो आपका ट्रॉली वगैरह चला गया? हाँ, सब सामान समेट दिया हमने। देखिए किसान बेचारा लौट रहा है, लेकिन सवाल यही है कि देश का असल मुद्दा क्या था और देश को किस मुद्दे में लगा करके रखा। ये देखिए आप, ये बेचारे गरीब लोग हैं, इधर झुग्गियों के लोग हैं, ये तोड़ करके अपना ले जा रहे हैं। अम्मा, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ? लच्छो, लच्छो। अच्छा। हाँ। तो ये अभी बनाएंगे उधर अपना ले जा करके? हाँ। ये तोड़ के ले जा रहे हैं, अपनी झुग्गी वहाँ डालेंगे खुद की? अच्छा। आप? हम? हाँ, झुग्गी कह रहेंगे बेटा। अच्छा। झोपड़ी कह रहेंगे जाकर रोड, उस पर पाने पानी में? पानी में? हाँ, कती पानी में, जोड़ में, कती जोड़ में। तो ये तो आपके लिए अच्छा काम हो गया। हाँ। कम से कम ये काम आ जाएगा? हाँ, काम आएगा भैया, काम आएगा। फायदे में रह गया बेटा। जाते जाते भी गरीब आदमी को राहत देके जा रहे हैं, जाते जाते भी गरीब आदमी को राहत देते जा रहे हैं। जो पानी में रहता है, जो गरीब आदमी जो रहता है, जो गरीब आदमी लाचारी से कुछ अपनी झोपड़ी भी नहीं बना पाता है। कैसे? कुछ नहीं बेटा,
फ्री में है। फ्री में देके जा रहे हैं। वो दे गया सरदार आप। अच्छा हाँ। पैसा वैसा नहीं लिया? नहीं लिया, कुछ ही नहीं लिया बेटा। देखिए झूठ बोल रहे, भगवान को जान देनी। किसी और से लिया है? नहीं किसी, हमें और को नहीं पता हमारा। अच्छा, हमारे से नहीं लिया। तो आप सुबह ही आ गए हैं? नहीं नहीं, अभी आए थे हम तो। जब अच्छा। जा रहे थे जब जब अड़ोस पड़ोस के आपके लोग और भी लोग भी लेके गए होंगे? वो नहीं लेके गए, हम ही है खुद बस। और नहीं आया कोई भी? हमारा नहीं आया कोई भी? हमारा कोई नहीं आया? हमारा कोई नहीं आया? देखिए तो असल मुद्दा यही है कि लोगों की हालत ये है। आप देखिए कि एक घंटे में लोगों ने इसको पूरे को उधेड़ करके रख दिया। जिसको जो जरूरत लगी वो लेकर के चला गया। तो देश में इतना जो है वो हाहाकार मचा हुआ है, और देश को कहां पर किस जगह पर लटका करके जो है वो रखा हुआ था वो आप देखिए। ये कितना नुकसान हुआ। अगर यही काम साल भर पहले अगर निपट जाता तो कितना कुछ जो है वो बच सकता था। और आखिरकार जो है वो आज ये वो चीज़ हो रही है जो 380 दिन बाद में हो रही है। ये पहले भी हो सकती थी लेकिन सरकार ने ना जाने क्यों, और आखिरकार वो सरकार की जो एक अहम अहंकार कह लीजिए आप, या बहुमत का जो है वो सत्ता का घमंड कह लीजिए, इसलिए ले जा रहे हैं भाई। अपने कोई थोड़ा बहुत फर्ज फर्ज घेर लेंगे, गरीब आदमी तो है ही। अच्छा हाँ, और क्या करें, गरीबी है, गरीबी है बहुत ज़्यादा। मतलब मोदी जी ने डंका बजा रखा है। मोदी जी ने यो देश 50 साल पीछे कर दिया है, 50 साल पीछे कर दिया है। इतना गंदा प्रधानमंत्री ना तो आया और ना आवे। और एक चीज की महंगाई के कारण बेरोजगार हो गए हैं लोग। तो एक साल तक तो ये भी तो आंदोलन चलता रहा। अरे आंदोलन चलता रहा, आंदोलन से क्या नुकसान नहीं होता है? नहीं नहीं, इन्हें तो लोग जुआ दिए हैं। हाँ नहीं तो यो देश ही बर्बाद हो जाता सारा का सारा। सारा देश बर्बाद भी किया था। हाँ ये तो बहुत गलत काम करा। तो ये कह रहे कि लोकल लोगों को तो बहुत नुकसान हो रहा था, ये था। अरे नुकसान कोई नुकसान नहीं है। अब फायदा होया, सारे देश में नुकसान था, सारे देश को नुकसान था, अब फायदा होगा। अच्छा हाँ, तो किसानों ने जीवा दिया देश को। दिया देश। अरे ये इधर जुआते हैं, ये देते सब कुछ, ये देते हैं, इन्होंने जुआ दिया देश को। बहुत अच्छा काम किया है ये। मतलब एक साल तक जो अटका के लटका के रखा, ये पहले भी हो जाता ऐसा? ये पहले भी कर देते थे, देश बर्बाद नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।